गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में क्या पढ़ रहे थे? म्यूसिस वन। और म्यूसिस वन के अंदर क्या? प्रोफेज वन की स्टेज। तो हमने के कौन कौन सी स्टेज पढ़ थे? फोर स्टेज पढ़ ली थी हमने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एक्स बॉडी का, और जिसको क्या बोले हम? चेसमाटा बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? डाइकाइनेसिस। ये किसकी फेजिज है? प्रोफेज वन की ही सारी फेजिज है। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? यहाँ तो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे सेपरेट होने की। सेपरेट होने की ट्राई करेंगे तो क्या बनेंगे? एक्स बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। सेपरेट होंगे तो क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमेटिड के अंदर आ जाएगा, इसका इस क्रोमेटिड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होंगे? क्रोमोजोम सेपरेट होंगे। तो इस तरह क्या हो गई? ये सेपरेट हो गई। कुछ पार्ट किसका आ गया? दूसरे क्रोमोजोम का। यहाँ से क्या होंगे? ये इसमें कुछ पार्ट किसका आ गया? ये वाला पार्ट कौन सा होगा? होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। यहाँ से क्या होगा? सेम प्रोसेस इसमें होगी। कुछ मटेरियल क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? तो ये कौन? प्रोफेज वन के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल क्या हो गई? ट्रांसपोर्ट हो गई। और क्या हो गया? क्रोमोजोम कंडेंस फॉर्म में आ गए। उसके बाद क्या आएगा? प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज। मेटाफेज कौन सी आएगी? मेटाफेज वन। तो मेटाफेज वन के अंदर क्या होगा? मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोजोम क्या आ जाएंगे? सारे इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगे। ये क्या है? इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगी। यहाँ पर क्या आ गए? एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? लाई करेंगी। इसके अंदर क्या था? कुछ मटेरियल इस क्रोमोजोम का था। इसके अंदर कुछ मटेरियल इसका आ गया था। इसमें भी क्या था? कुछ मटेरियल इस क्रोमोजोम का था। इसके अंदर ऊपर वाले क्रोमोजोम का रिकम्बिनेशन हुआ था ना। तो सारे कहाँ पर आ गए? इक्वेटर के ऊपर। सेकंड क्या होगा? जो सेंट्रल्स क्या कर गए थे? पोल की साइड मूव कर गए थे। और सेंट्रल से क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। काइनेटिक कोर से क्या हो गई? अटैच हो गई। यहाँ से भी क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। तो ये क्या थी? मेटाफेज वन। कि मेटाफेज वन के ऊपर क्या आ गए? कि सारे क्रोमोजोम किस पे आ गए? इक्वेटर के ऊपर आ गए। नेक्स्ट क्या आएगी? एनाफेज वन। किसकी है ये एनाफेज वन? म्यूसिस वन की। एनाफेज वन के अंदर क्या होगा? कि स्पिंडल फाइबर का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस साइज होगा तो इस बार क्या होगा? दो क्रोमोजोम है ऊपर नीचे। तो ये वाले क्रोमोजोम इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाले क्रोमोजोम ऊपर वाले सेंट्रल की साइड के हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? एनाफेज वन में मियोसिस के एनाफेज में क्या हो रहा था? कि क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे। कि क्रोमोजोम क्या हो गए? बीच में से अलग हो गया। और क्या हो गए? क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। इसके अंदर क्या होंगे? क्रोमोजोम सेपरेट होंगे। यहाँ से एक क्रोमोजोम इस साइड इसमें से आ जाएगा, यहाँ से एक साइड इस पोल की तरफ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर रिड्यूस हो गए तो क्या हुआ? एक क्रोमोजोम यहाँ पर आ गया। इसका ये वाला क्रोमोजोम क्या है? इसमें ये वाला इस पोल की तरफ आ गया। कैसे है? डार्क वाला ये एक इस साइड आ गया। तो एनाफेज वन के अंदर क्या होगा? क्रोमोजोम का सेपरेशन। उसमें किसका? क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। इसमें किसका? क्रोमोजोम का। फिर टेलोफेज वन। टेलोफेज वन के अंदर क्या होगा? कि क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। कि यहाँ से क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? अपीयर हो गई। तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, सेल ऑर्गेनली आ गई। और ये क्या आ गई? क्रोमोजोम किसके अंदर आ गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये कैसा डिवीजन हो गया हमारा? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोजोम क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। रिड्यूस कैसे हो गई? किस स्टार्टिंग हमने कितने क्रोमोजोम लिए थे? फोर क्रोमोजोम लिए थे।
दोनों सेल्स के अंदर दो क्रोमोजोम इसके अंदर आ गए, दो क्रोमोजोम इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर हमारे क्रोमोजोम कितने थे, फोर थे। सेल डिवीजन हुआ तो कितने आ गए, टू इसमें टू इसमें, तो क्रोमोजोम नंबर क्या हो रहे, रिड्यूस हो रहे हैं। तो कैसे डिवीजन होगा, ये रिडक्शनल डिवीजन होगा, कि मियोसिस वन के अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होंगे कि सेल्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, सेल के अंदर बीच में क्या आ जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू क्या बन जाएंगी, सेल्स बन जाएंगी। इस तरह से क्या बन गई, सेल्स बन गई, और इसके अंदर क्या आ गई, क्रोमोजोम आ गई। कितनी सेल्स बन गई, टू सेल्स बन गई। अब यहाँ पर क्या आएगा, मियोसिस टू स्टार्ट होगा। अब मियोसिस टू किस में होगा, दोनों सेल्स के अंदर क्या होगा, इक्वल स्टार्ट होगा। और मियोसिस टू के अंदर भी क्या आएंगी, वही स्टेज ही जाएंगी, ये प्रोफेज टू आएगी, प्रोफेज टू के बाद मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। तो प्रोफेज टू में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। दोनों में क्या होगी, सेम प्रोसेस होगी, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपीयर हो गई दोनों सेल्स के अंदर। डिसअपीयर होने के बाद क्या बचा, क्रोमोजोम बची। इसके अंदर क्या होगा, इसमें कौन से थे, डार्क वाले थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीअपीयर हो गई, डिसअपीयर हो गई। सेल ऑर्गेन क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। सारे प्रोसेस जो किस में होती है, प्रोफेज वन के अंदर में और माइटोसिस के जो प्रोफेज के अंदर होती है, सारी क्या होगी, सेम प्रोसेस होगी। तो क्या हो गई, सेंट्रियल्स क्या हो गए, शिफ्ट करने लगे, किसकी तरफ, पोल्स की तरफ आने लगे सेंट्रियल्स। फिर मेटाफेज टू, मेटाफेज टू के अंदर क्या होगा कि जो जितने भी क्रोमोजोम है दोनों सेल्स के अंदर क्या होंगे, इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी। इक्वेटर पर आ गए और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे क्या बन गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। और फिर क्या आएगी, एनाफेज टू। एनाफेज टू के अंदर क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर है उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। जो स्पिंडल फाइबर का रिड्यूस होगा तो क्या करेंगे, क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एनाफेज टू के अंदर किसका डिवीजन होगा, क्रोमेटिड्स का। ये क्रोमेटिड कहाँ आ जाएंगे, पोल्स की साइड आ जाएंगे। तो पोल्स की साइड क्या आ गई, क्रोमेटिड आ गई। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, एनाफेज वन में और एनाफेज टू में, कि एनाफेज वन के अंदर तो क्या होता है कि क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा, एनाफेज टू के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। क्रोमेटिड क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या आएगा, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या, सॉरी हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई। सेल ऑर्गेन क्या हो जाएंगी, रीअपीयर हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या, कितने का आ गए इसके अंदर, टू क्रोमोजोम इसके अंदर, टू क्रोमोजोम इसके अंदर, टू इसके अंदर, टू इसके अंदर आ गए। तो इस बार क्या है, क्रोमोजोम का नंबर क्या है, सेम है। तो ये कैसे डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन, कि स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे, टू टू क्रोमोजोम लिए थे। यहाँ पर भी कितने क्रोमोजोम है, टू टू क्रोमोजोम है इस सेल में, और दो सेल्स यहाँ से बनेंगी, टू सेल्स यहाँ में। कब, जब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो टू सेल्स यहाँ से बन गई, एक सेल यहाँ से, एक सेल यहाँ से, फिर एक सेल यहाँ से बन गई, एक सेल यहाँ से। और सभी के अंदर कितने क्रोमोजोम है, टू टू क्रोमोजोम है। तो कैसे डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। और क्या डिफरेंस पाएगा कि मियोसिस के अंदर कितनी होती है, टू, सॉरी माइटोसिस में टू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर कितनी सेल्स बनेंगी, फोर सेल्स बनेंगी। तो ये क्या था हमारा, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस के मेनली क्वेश्चन कहाँ से आता है, कि एनाफेज वन से और एनाफेज टू से,
कि एनाफेज वन के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा, और एनाफेज टू के अंदर किसका होगा, क्रोमेटिड्स का। थैंक यू।